Good morning, class. How are you all? I hope you all are fine. Today, in English 1, we are going to discuss an application. And you are supposed to learn and write the application in your copy. Okay? You will have to learn. आपको याद करना है और इस application को अपनी copy में भी लिखना है, English 1 copy में. So, let's begin. The topic is, write an application to your class teacher to change your place. You are supposed to write this application to your class teacher. आप सब जिस भी क्लास में पढ़ते हो उसमें जो आपके क्लास टीचर हैं, ओके, यू आर सपोज्ड टू राइट एन एप्लीकेशन. आप उनको एक एप्लीकेशन लिख रहे हो जिसमें आप उन्हें रिक्वेस्ट करोगे कि वो आपकी प्लेस को चेंज कर दें. बिकॉज ऑफ सम इशूज़ आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप चाहते हो कि आपका प्लेस चेंज हो जाए और इसीलिए आप एक एप्लीकेशन लिख रहे हो. ओके, सो लेट्स बिगिन. टू द क्लास टीचर, ब्राइटलैंड स्कूल, डाल्टनगंज. ब्राइटलैंड स्कूल, डाल्टनगंज. और यहाँ पे टू द क्लास टीचर, नाम नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ पे लिखना है टू द क्लास टीचर. यहाँ पे डेट है, ब्लैंक किया हुआ है. यहाँ पे आप डेट अकॉर्डिंगली लिखोगे, आप जिस भी दिन लिख रहे हो उस दिन का डेट डालोगे. मैं आपको इसको 15 को भेज रही हूँ, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेट होना चाहिए 15/09/20. आप डेट अकॉर्डिंगली फिल कर देना. मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ा हुआ है. ओके, देन नेक्स्ट इज सब्जेक्ट. व्हाट इज़ द सब्जेक्ट मीन? सब्जेक्ट मतलब कि उसके अंदर आप इस लेटर के बॉडी में आप क्या कहना चाह रहे हो उसको आप शॉर्ट में लिखते हो. लेटर के बॉडी में मतलब ये जो लेटर आप लिखे हो इसमें जो भी कंटेंट है, जो भी बात है, उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करते हुए आप यहाँ पे लिखे हो. जैसे इंग्लिश वन है, तो इंग्लिश वन क्या है? एक सब्जेक्ट है. आप क्या पढ़ते हो? ग्रामर पढ़ते हो इसमें, तो ग्रामर में एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब ये सब पढ़ते हो आप इसमें. तो इंग्लिश वन सब्जेक्ट का नाम है, उससे आपको पता चल रहा है ना कि इसमें ग्रामर है, ग्रामर में ये टॉपिक्स होते हैं. तो वैसे ही इस लेटर में क्या है वो यहाँ पे सब्जेक्ट में हम लोग को मेंशन करना होता है. दिस इज़ द फॉर्मेट. तो सब्जेक्ट इज रिक्वेस्ट टू चेंज माय प्लेस. यू आर राइटिंग दिस लेटर टू चेंज योर प्लेस. सो यू आर रिक्वेस्टिंग द क्लास टीचर टू चेंज योर प्लेस. नाउ रिस्पेक्टेड मैम, आई सिट ऑन द लास्ट बेंच. इट्स अबाउट यू, मीन्स आई एम राइटिंग, सो आई हैव रिटन लाइक दिस, बट इट्स अबाउट यू. आप सब बच्चों के लिए ये है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कभी कहीं पे आप बैठे हो और आपको लगता है कि वो जगह आपके लिए सही नहीं है, तो आप लेटर या एप्लीकेशन लिख सकते हो अपने क्लास टीचर को, रिक्वेस्टिंग हर कि वो आपका प्लेस चेंज कर दे क्योंकि आपको वहाँ पे डिफ़िकल्टी आ रही है. तो आप इसी तरीके से एकदम लेटर, वो एप्लीकेशन लिख सकते हो. ओके, नाउ आई सिट ऑन द लास्ट बेंच. मैं लास्ट बेंच पे बैठता हूँ एंड द बोर्ड इज़ क्वाइट ब्लर्ड, जिसके वजह से, दूर होने के वजह से मुझे बोर्ड जो है वो साफ साफ नहीं दिखता, ब्लर दिखता है, मतलब धुंधला दिखता है. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड थिंग्स ऑन द बोर्ड बिकॉज आई हैव पुअर आई साइट. मैं बोर्ड पे जब देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे चीज़ें साफ नहीं दिखती हैं, धुंधली दिखती हैं. क्यों? क्योंकि आप लास्ट बेंच पे बैठे हो, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट मी, कि मैं लास्ट बेंच पे बैठा हूँ या मैं लास्ट बेंच पे बैठी हूँ जिसकी वजह से बोर्ड बहुत दूर है और मुझे दूर की चीज़ें धुंधली नज़र आती हैं. तो बोर्ड की चीज, बोर्ड पे जो भी लिखा होता है वो मुझे नहीं दिखता क्योंकि वो धुंधला हो जाता है बिकॉज ऑफ डिस्टेंस, आप काफ़ी दूर बैठे हो. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड थिंग्स ऑन द बोर्ड. और आप देखना छोड़ो, आप उसे पढ़ भी नहीं पा रहे हो, मतलब यू आर एबल टू सी ऑन द बोर्ड. आप देख रहे हो लेकिन उस बोर्ड पे क्या लिखा है यू आर नॉट एबल टू रीड इट, पढ़ नहीं पा रहे हो. बिकॉज आई हैव पुअर आई साइट, क्योंकि आपकी आँख जो है, आपके आँखें जो हैं उसकी रोशनी कम है और आपकी आँख जो है वो आपको सपोर्ट नहीं कर रही कि आप इतनी दूर की चीज़ें देख सको. ठीक है, यू हैव अ पुअर आई साइट. I request you to change my place. यही था हमारा टॉपिक. You are talking to your teacher that I want you, I request you to please change my place because ये प्रॉब्लम है जो मैं फेस कर रहा हूँ. दूर होने के चलते मुझे बोर्ड नज़र नहीं आता और क्योंकि मुझे बोर्ड नज़र नहीं आता मैं अच्छे से पढ़ नहीं पाता. So please, I request you to change my place. At last, thanking you, yours obediently and your name. You are supposed to write here your name, okay? Like I can write here my name, the same way you can also write your name over here, full name, okay? Not only first name, you need to write full name, jaise maine likha hai. So I'm reading the application once again for you.
क्लास वन इंग्लिश वन यू आर गोइंग टू राइट इट इन योर कॉपी एंड लर्न इट एज वेल. टॉपिक इज राइट एन एप्लीकेशन टू योर क्लास टीचर टू चेंज योर प्लेस. टू द क्लास टीचर, ब्राइटलैंड स्कूल, डाल्टनगंज. डेट आप जिस डेट को लिखोगे लिख देना, जैसे 15 सितंबर, तो 15 सितंबर 2020. देन सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट टू चेंज माई प्लेस. रिस्पेक्टेड मैम, अगर सर हैं आपके क्लास टीचर तो मैम की जगह आप सर लिख लेना. ओके, आई सिट ऑन द लास्ट बेंच एंड द बोर्ड इज़ क्वाइट ब्लर्ड. बोर्ड बहुत धुंधला है. आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू रीड थिंग्स ऑन द बोर्ड. मुझे दिक्कत होती है बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ने में, बिकॉज आई हैव अ पुअर आई साइट. क्योंकि मेरी आँखों की रोशनी उतनी तेज़ नहीं है या मेरी आँखें उतनी अच्छी नहीं हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू चेंज माई प्लेस. मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ चेंज माई प्लेस. थैंकिंग यू, योर्स ऑबिडियंटली एंड योर नेम. ओके, दैट्स ऑल. लर्न इट, राइट इट, स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्टडी. थैंक यू.